जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपका विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख आंदोलन, अधिवेशन और स्थापना के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की सीरीज आपके लिए रहने वाली है। सारे के सारे आंदोलन, अधिवेशन और जितने भी प्रमुख स्थापनाएँ हमारे प्यारे भारत में हुई हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके लिए रहेंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है, साथ में आपने अपने नोट्स बनाते चलना है ताकि आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल भी पीछे ना छूटे। आर्मी, पुलिस और एसएससी के लिए स्पेशल जीके की आज हमारी ये क्लास रहेगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो है फर्स्ट वन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। या तो साथ में आप अपने नोट्स बनाते चलें या फिर साथ साथ में वीडियो को आपने देखना है, आपके क्वेश्चन जो है उनकी रिवीजन होती चलेगी। तो सबसे पहले नंबर पे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको साथ में कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी और उनके पहले अध्यक्ष, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है। नेक्स्ट वन है बंग बंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1905 ईस्वी में बंग बंग आंदोलन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट वन है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 1906 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए रहने वाली है। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था। तो कांग्रेस का बंटवारा जो है ये हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट वन बात करते हैं होम रूल आंदोलन की। होम रूल आंदोलन जो है वो हुआ था हमारा 1916 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट वन है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट जो है ये हुआ था दिसंबर 1916 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए रहेगी। नेक्स्ट वन है मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी। तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो है ये हुई थी 20 अगस्त 1917 को। सारे के सारे घोषणाएं, अधिवेशन या आंदोलन जो हैं वो सभी आपको एक ही फाइल में जो है वो एक साथ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से या तो आप अपने साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं या फिर साथ में आप जो है वो इसको सिर्फ देख करके ही अपनी रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट कब हुआ था। तो 19 मार्च 1919 को जो है वो रॉलेट एक्ट हुआ था। नेक्स्ट सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये 1919 में हुआ था, गांधी आंदोलन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट वन है हंटर कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी। तो 18 मई 1920 को जो है वो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट वन कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट वन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1 अगस्त 1920 को जो है वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 1922 में जो है वो इसे वापस ले लिया गया था, क्योंकि चोरा चोरी कांड हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो मारे गए थे, उनको बंदी बना के रखा गया था। तो उसी की वजह से असहयोग आंदोलन 2 साल बाद ही वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट वन है चोरा चोरी कांड। तो चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, इसी की वजह से जो है असहयोग आंदोलन जो है वो वापिस लेना पड़ा था। नेक्स्ट वन है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोतीलाल नेहरू के साथ ऐसे कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की है। तो मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ, चितरंजन दास या फिर सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से आपका इसका आंसर जो है वो आपका आना चाहिए। नेक्स्ट वन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का
स्थापना की गई थी अक्टूबर 1924 ईस्वी में, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आपको यहाँ पे साथ में एक और चीज़ बता दूँ कि 1924 में ही महात्मा गांधी जी ने भी एक साल के लिए उनको जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, सिर्फ एक साल के लिए जो है वो उनको कांग्रेस का अध्यक्ष 1924 में बनाया गया था। नेक्स्ट वन है साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी और इसका भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट वन है नेहरू रिपोर्ट कब दी गई थी। तो अगस्त 1928 में जो है वो इसे दिया गया था। नेक्स्ट वन है एसएससी का सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह कौन सा है। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था अक्टूबर 1928 ईस्वी को बारदोली का सत्याग्रह हुआ था ये। नेक्स्ट वन है लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट वन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो ये हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट वन स्वाधीनता दिवस की घोषणा। तो स्वाधीनता दिवस जो है ये हमारा 2 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट वन है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से और ये चला था हमारा 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डांडी मार्च यात्रा भी इसी को ही बोला जाता है। और गांधी युग से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था, नमक सत्याग्रह भी हुआ था और डांडी मार्च यात्रा भी हुई थी, साथ में स्वाधीनता दिवस की घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट वन है प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था। तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को जो है वो प्रथम गोलमेज आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और आपको साथ में एक और बात बतानी है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, प्रथम सेकंड या फिर थर्ड, पहला दूसरा या फिर तीसरा। नेक्स्ट वन है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को, 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये गांधी और लॉर्ड इरविन जो थे उनके बीच में समझौता हुआ था स्वतंत्रता से रिलेटेड, तो इसीलिए 8 मार्च 1931 को ये दिन फेमस जाना जाता है। नेक्स्ट वन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि मैंने अभी आपको बताया 1931 में हुआ था, बट पूरी डेट है 7 सितंबर 1931 ईस्वी। नेक्स्ट वन है कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचाट भी बोला जाता है। थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपके लिए रहेंगे क्योंकि एसएससी पुलिस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये, और साथ में जितने भी हमारे नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सारे के सारे आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जो है वो इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पूना एक्ट इसको बोला जाता है, सितंबर 1932 इसमें स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट वन है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट वन है मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1939 ईस्वी से, 1939 से। नेक्स्ट वन है पाकिस्तान की मांग। तो ये हुआ था, यहाँ पे भी एक प्रमुख आंदोलन हुआ था जब पाकिस्तान की मांग आई थी, तो ये आई थी 24 मार्च 1940 ईस्वी को। नेक्स्ट वन अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को।
नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दोनों के दोनों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, क्रिप्स मिशन और साथ में भारत छोड़ो। आपको एक और बात बतानी है भारत छोड़ो आंदोलन से, कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा फेमस नारा दिया गया था, कौन सा सा फेमस था नारा जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट वन है नौसेना का विद्रोह। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट वन प्रधानमंत्री एटले की घोषणा, तो प्रधानमंत्री एटले की घोषणा हुई थी 15 मार्च 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट वन कैबिनेट मिशन का आगमन, तो ये हुआ था हमारा 24 मार्च 1946 ईस्वी को। अगर आपको यहाँ पे मंथ और डेट जो है वो प्रॉपर याद नहीं है, बट आपको यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है वो है आपका ईयर। तो ईयर को आपको पूरा तरह से जो है वो आपको रट के जाना है, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो सके। इन सभी क्वेश्चन में से आपको सिर्फ टोटल एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन बनेगा, आपको हर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बनेगा। चाहे मैं आपके लिए इसके 50 क्वेश्चन ले आऊँ या फिर 100 क्वेश्चन ले आऊँ, आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ कोई एक क्वेश्चन ही बनेगा। तो आपके जितने इजी वाले हैं वो तो आपको याद हैं, या जितने भी आपके थोड़े से एडवांस आपको लग रहे हैं या भूल रहे हैं, सिर्फ आपको उन्हीं की तैयारी जो है वो बार बार करनी है। तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट वन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था। नेक्स्ट वन है अंतरिम सरकार की स्थापना, अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट वन माउंट बेंटन योजना, तो 3 जून 1947 ईस्वी को माउंट बेंटन योजना की गई थी। और नेक्स्ट वन सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार जीडी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, स्वतंत्रता दिवस या फिर स्वतंत्रता कब मिली थी पूरे भारत को। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए इसी चैप्टर के साथ में, तो शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्स है ऐसा, उसका क्या नाम है, तो उसको न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। नेक्स्ट वन है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो उसको अभिनव तारा के नाम से जो है वो हम जानते हैं। नेक्स्ट वन है एक खगोलीय दूरी क्या है, और खगोलीय दूरी का मतलब क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है उसी को ही खगोलीय दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, माउंट बेंटन, लॉर्ड माउंट बेंटन। और अभी आपको इसका एक क्वेश्चन करवाया है कि माउंट बेंटन योजना कब हुई थी, तो 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट वन है भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे, भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वॉइसरॉय बने थे। उसके बाद है भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन सी थी, तो भारत की प्रथम महिला राजदूत का नाम क्या था, विजयलक्ष्मी पंडित, विजयलक्ष्मी पंडित इनका पूरा नाम था। उसके बाद जो है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। नेक्स्ट वन भारत की प्रथम महिला पायलट कौन सी थी, जल्दी से इसका आंसर बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला पायलट प्रेमा माथुर, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट का नाम क्या था, हरिता कौर देओल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, यहाँ पे वायुसेना आपसे पूछी गई है ना कि थल सेना, तो निर्मल जीत सिंह
सेखो जो है वो इनका पूरा नाम था, जिनको पहली बार परमवीर चक्र प्रदान किया गया था जब ये प्रथम वायुसेना के अधिकारी बने थे। नेक्स्ट वन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था, तो मीरा कुमार। नेक्स्ट वन, भारत के प्रथम समाजवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन थे, तो सोमनाथ चटर्जी उनका नाम था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन जो थे वो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपको वर्तमान के बारे में बताना है कि एट अ टाइम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके मुखिया कौन है। काफ़ी बार न्यूज़पेपर में इनका नाम आता है तो आपको ये साथ में बताना है। नेक्स्ट वन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट वन, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट वन, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के षटमुगम शेट्टी जो थे वो भारत के पहले वित्त मंत्री थे। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको कई बार ऑप्शन में यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम भी दे दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अब्दुल कलाम थे वो भारत के राष्ट्रपति थे और जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे उनका नाम अब्दुल नहीं था, उनका नाम था अबुल, तो आपको ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़रूर वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारी एक नई वीडियो जीके की, मैथ की या किसी अनदर टॉपिक पे हमारी एक नई फ्रेश वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच पाए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो किसी भी पॉइंट से, किसी भी एंड से काफ़ी पीछे ना छूटे। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।